हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पांचवी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि काली लिनक्स को अपडेट कैसे करते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं और पैकेज या एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काली लिनक्स को अपडेट करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी apt-get अपडेट। ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमें परमिशन देनी होती है। तो क्योंकि हम लोग सुपर यूज़र नहीं है तो हमें कमांड देनी होगी sudo। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि sudo कमांड से काम करता ही नहीं, तो टाइप करेंगे वही कमांड। एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको प्रीवियसली कमांड दोबारा से रिपीट करनी है तो आप टाइप करें sudo और एक्सक्लेमेशन मार्क दो बार, तो ये आपकी वही प्रीवियस कमांड को रन कर देगा। अब मुझे टाइप करना होगा अपना पासवर्ड। आपको एक ही मर्तबा टाइप करना होता है जिस टर्मिनल जब तक खुला होता है पासवर्ड, उसके बाद आपसे ये नहीं मांगता। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करूँगा तो अब शुरू करते हैं sudo apt-get अपडेट। ये देखें, इसने अपडेट करना शुरू कर दिया है। ये अपने करीबी मिरर से कनेक्ट होगा और जितने भी ये हमारी रिपोजिटरी को अपडेट करेगा। रिपोजिटरी क्या होती है? ये एक तरह की पैकेज लिस्ट होती है सॉफ्टवेयरों की, मतलब सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट होती है। उसमें दिखाता है कि भाई आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो कर सकते हैं, और आपको ये दिखाता है कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर की अपडेट आई हुई है। तो अब मुझे अगर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना हो तो मैं टाइप करूँगा sudo apt-get अपग्रेड। ये सारी लिस्ट को चेक करेगा, वो बताएगा कि आपको किस तरह से अपडेट अपग्रेड करना है। फ़िलहाल मेरे सिस्टम में कोई भी ऐसी अपग्रेड के लिए नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो आपको सिंपली y प्रेस करके एंटर कर देना। ये आपसे पूछेगा यस और नो होगा तो आपको y टाइप करके एंटर कर देना है। यह आपके पैकेजेस को, सारे पैकेजेस को अपग्रेड कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ अवकात हमें ज़रूरत होती है अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स की, इसलिए हमें अपग्रेड और अपडेट रहना दोनों ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, जैसे apt-get अगर कोई पैकेज हमें सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप करूँगा apt-get सर्च और ब्लू फिश। जैसे मुझे ये ब्लू फिश का सॉफ्टवेयर सर्च करना है रिपोजिटरी के अंदर, तो मैं ये टाइप करूँगा apt-get सर्च ब्लू फिश, सॉरी यहाँ पे apt-get नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा cache। ये देखें, ये बताएगा कि ये जो आपका ब्लू फिश पैकेज है और ये आपको इसके प्लगइन्स वगैरह की ज़रूरत होगी, ये इंस्टॉल करेगा। तो अब मुझे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि apt-get इंस्टॉल ब्लू फिश, सॉरी apt-get इंस्टॉल ब्लू फिश। ये अब मुझसे रूट की परमिशन मांग रहा है तो मैं टाइप करूँगा sudo apt-get इंस्टॉल ब्लू फिश। आपको कुछ भी पैकेज इंस्टॉल मॉडिफाई करने के लिए आपको सुपर यूज़र की परमिशन देनी होती है, इसीलिए इसने मुझसे सुपर यूज़र की परमिशन मांगी है। तो अब मैं इंटर करूँगा, ये सारी रिक्वायरमेंट देखेगा और ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जैसे अभी इसने इंस्टॉल कर दिया, आपसे ये पूछेगा वाई का, तो आपको वाई करके एंटर कर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से परमिशन दे दी थी इसलिए इसने मुझसे नहीं पूछा। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लू फिश। ये देखें, हमारा ब्लू फिश एक टेक्स्ट एडिटर है जो स्टार्ट हो चुका है।
अब हम देखेंगे कि अगर किसी पैकेज को रिमूव करना है तो कैसे करें। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना होगा रिमूव ब्लू फिश। ये कमांड क्या करेगी, जो हमने पैकेज अभी इंस्टॉल किया है उसको रिमूव कर दे। आपको किसी भी पैकेज को रिमूव या अनइंस्टॉल करना हो तो आप सिंपली ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा यस करना है कि नहीं, तो आप सिंपली टाइप कर दे वाई। ये देखें इसने सक्सेसफुली पैकेज को अनइंस्टॉल कर लिया। अगर आपको कहीं मतलब कोई पैकेज इसके अंदर नहीं है तो आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, उसके अंदर देखते हैं गूगल क्रोम को। क्रोम को हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करना सीखेंगे कि अगर कोई पैकेज आपकी रिपोजिटरी के अंदर नहीं है तो कैसे हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड क्रोम, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। मैंने ये पैकेज पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैकेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ से टर्मिनल को ओपन कीजिए या आप लोकेट भी कर सकते हैं डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ls ये हमारा पैकेज है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डेबियन पैकेज dpkg -i मीन्स इंस्टॉल गूगल क्रोम। मैंने यहाँ पे टैब की को प्रेस किया, उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया जो मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन मांगे उसी तरह जिस तरह आप उस apt-get इंस्टॉल के अंदर मांगता था, वहाँ पे मैं टाइप करूँगा sudo dpkg -i इंस्टॉल गूगल। अब ये मुझसे अपना पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा। ये देखें इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ये देखें हमारा पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँ, आप चाहे तो स्टार्ट मेन्यू की तरह जो होता है उसके अंदर से, जिसे यहाँ पे इसके अंदर से भी आप ओपन कर सकते हैं। ये आ गया क्रोम। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गूगल क्रोम स्टेबल। ये देखें मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन हो चुका है। तो आज तक आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। जल्दी मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये वीडियोस इसलिए थी कि आपको बेसिक कमांड्स आ जाएं ताकि आपको आसानी हो जाए लिनक्स ऑपरेट करने में। तो अब तक तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक लिनक्स ऑपरेट करना समझ में आ गया होगा। बाकी जो एडवांस लेवल की कमांड्स है वो कोर्स के साथ ही हम लोग सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।